नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राष्ट्रीय युवा दिवस आज, सीएम नीतीश ने किया नमन। सरकार ने छात्राओं के बैंक अकाउंट में कन्या उत्थान का 4.38 करोड़ किया ट्रांसफर। बक्सर लाठीचार्ज मामले में थानेदार की लाइन हाजिर। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करे ऑनलाइन। केएल राहुल की खामियों पर पूर्व कप्तान ने दी अहम सलाह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रीय युवा दिवस आज, सीएम नीतीश ने किया नमन। देश में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बताते चले कि इस दिवस की घोषणा वर्ष 1984 में की गई थी, जिसके बाद 1985 से प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 जनवरी 2023 का यह युवा दिवस भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस होगा। इसी मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उन्हें सादर नमन। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सकारात्मकता एवं नई ऊर्जा से भरी युवा पीढ़ी राज्य एवं राष्ट्र के विकास का सशक्त आधार है। मेरा विश्वास है कि आप प्रतिभावान युवाओं के सहयोग से बिहार विकास की राह में अग्रणी बनेगा। मेरी ओर से युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बीपीएससी की जिला कला संस्कृति अधिकारी मेंस परीक्षा की न्यू डेट जारी। बीपीएससी की जिला कला संस्कृति अधिकारी की 38 रिक्तियों के लिए होने वाली मेंस परीक्षा की न्यू डेट जारी कर दी गई है। बता दें कि यह परीक्षा 19 जनवरी से शुरू हो रही है, जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि इस परीक्षा में कुल 263 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं इस परीक्षा का एकमात्र केंद्र पटना कॉलेजिएट स्कूल है। जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। बक्सर लाठीचार्ज मामले में थानेदार की लाइन हाजिर। बक्सर में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज मामले को लेकर दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। वहीं थानेदार अमित को रोहतास भेजा गया है। बता दें कि इस मामले को लेकर डीआईजी नवीन चंद्र झा के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भीड़ के हमले में गृह रक्षकों सहित 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं इनमें से 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि आज सुबह भी भीड़ के द्वारा पावर प्लांट के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया गया और पुलिस के 2 वाहनों, कंपनी के जेसीबी सहित 16 वाहनों में आग लगाकर क्षतिग्रस्त किया गया है। पटना के लोग जल्द देखेंगे 3D डोम स्क्रीन पर तारों की दुनिया। जल्द ही पटना के लोग 3D डोम स्क्रीन पर तारों की दुनिया को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। बता दें कि पटना में स्थित तारा मंडल में बीते दिन बुधवार को जर्मनी से 3D डोम स्क्रीन को पहुंचाया गया है, जिसे अगले सप्ताह से कालजाइज और NCSM की टीम के द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तारा मंडल को 34 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही दर्शकों को सिटिंग अरेंजमेंट में सुविधा देने के लिए कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को बैठने में पहले के मुताबिक और भी आरामदायक महसूस होने वाला है। इसके अलावा तारामंडल में अलग से 2 करोड़ रुपए की लागत से सस्पेंड एंड एस्ट्रोनॉमी गैलरी भी तैयार की जा रही है। बिहार में लंपी वायरस ने ली एंट्री। बिहार में लंपी वायरस ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक इस वायरस के चपेट में राज्य के कुल 1258 गाय आ चुके हैं, जिनमें से 2 गाय की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं अब तक राज्य में कुल 933 पशु अच्छी इलाज के कारण ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस को देखते हुए पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के द्वारा कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा दी गई है। वहीं इसके बचाव के लिए अब तक प्रदेश के 28 जिलों में टीकाकरण की अभियान की शुरुआत की जा रही है। सरकार ने छात्राओं के बैंक अकाउंट में कन्या उत्थान का 4.38 करोड़ किया ट्रांसफर। बीते मंगलवार को सरकार के द्वारा BRA बिहार विश्वविद्यालय के 29 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की छात्राओं के अकाउंट में कन्या उत्थान योजना का 4.38 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया है। BRA बिहार विश्वविद्यालय के अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर अभय कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2022 अप्रैल तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं के लिए अगले सप्ताह से पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिस पर छात्र जाकर अपना डाटा अपलोड कर सकते हैं। वहीं जिन छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पैसे नहीं मिले हैं, वे छात्राएं सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट में आधार चेक करें, बैंक में KYC करवाएं और साथ ही पैसे न मिलने की जानकारी VV को भी दें।
जातीय जनगणना के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षक अपने कार्य अवधि में करेंगे काम। ठंड के मौसम को देखते हुए और शिक्षकों के द्वारा शाम 4 बजे के बाद जनगणना कार्य करने को लेकर कई जिलों से आती शिकायतों को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों के नाम आदेश पत्र लिखकर उन्हें निर्देश दिया गया है। बता दें कि दिए गए निर्देश के अनुसार कहा गया है कि जातीय जनगणना के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि विद्यालय के सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति हो जानी चाहिए। वहीं जो शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं वे अपने पूरे दिन के कार्य अवधि में जातीय जनगणना का कार्य करें और इसी बीच मौका मिलते ही किसी समय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा लें, क्योंकि वर्तमान में ठंड को लेकर विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बुक करें ऑनलाइन। रोस मेरिटा सेफ्टी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के वरीय जीएम गौरव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बिहार में वैसी गाड़ियां जिनकी खरीदारी 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदी गई थी, उन गाड़ियों के मालिक बुक माई hsrp.com पर जाकर ऑनलाइन फीस जमा कर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं बुक किए गए जाने के बाद वाहन मालिक अपने निकटतम शोरूम पर जाकर दिए गए समय के अनुसार वाहन में प्लेट भी लगवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे भारत में एक जैसे नंबर प्लेट रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश जारी किया गया है, जिसके बाद अप्रैल 2019 के बाद लिए गए वाहन में शोरूम के द्वारा ही यह प्लेट लगाकर दिया जाता है। विवादित बयान को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री बुरे फंसे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया गया, जिसके बाद वो अपने द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। बता दें कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे हैं। आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने राम सत्र में भेजे ताकि इनका मनस्ताप शांत हो। बिहार में भाजरो यात्रा में शामिल होने पहुंचेंगे राहुल प्रियंका। बिहार में भाजरो यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है, वहीं अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल मकर संक्रांति को लेकर इसे कुछ दिनों के लिए रोक लिया गया है। वहीं इसके बाद एक बार फिर से बिहार में इस यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन दूसरे चरण की इस यात्रा को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि दूसरे चरण में फरवरी के पहले सप्ताह में इस यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आने वाली है, तो वहीं फरवरी के अंत में सांसद राहुल गांधी बिहार पहुंचने वाले हैं। इस बात की जानकारी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा दी गई है। वहीं उनके आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रशांत किशोर ने नेताओं पर बोला हमला। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान नेताओं पर हमला करते हुए कहा गया है कि जनता लोकतंत्र का राजा है और आप राजा बनाते हैं। आप सभी पैसे लेकर वोट दे देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी इन गलतियों से आपका और आपके पक्षे का भविष्य का कितना नुकसान हो रहा है। अगर आपको अगली बार कोई नेता वोट देने के लिए पैसे दे देता है तो उसे रख लीजिएगा, और जब वोट देने जाइएगा तो अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते वोट कीजिएगा। आप सभी अपनी वोट की कीमत को समझिए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे नेताओं की तरह यहां मछली खिलाने नहीं आया हूं, बल्कि मछली कैसे पकड़ते हैं वो बताने आया हूं। सीएम नीतीश ने की कैबिनेट विस्तार की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा गया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार खरमास बाद किया जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले बात को फालतू बताते हुए कहा कि पता नहीं कहां से ये सब चीजें दिमाग में आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन 7 पार्टियों के मेल से चल रही है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में न केवल राजद के लोग बल्कि कांग्रेस के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राजद कोटे से जो 2 मंत्री हटे हैं उनके जगह किसी अन्य को शामिल किया जाएगा। बक्सर लाठीचार्ज मामले पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बक्सर लाठीचार्ज मामले को लेकर एक तरफ जहां किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है। बता दें कि बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए बोला कि लाठीमार सरकार है, बिहार में नीतीश से कुमार है। पटना के बाद बक्सर में लाठीचार्ज महिलाओं पर हमला निंदनीय है। किसानों की मुआवजा संबंधी मांग जायज पर शांति से काम ले नीतीश, असली समाधान पर ध्यान दे। यात्रा तो नौटंकी है, क्या ललन सिंह बक्सर में बर्बरता का भी बचाव करेंगे। जब सरकार की संवेदनहीनता पर किसानों का गुस्सा फूटा तो आंदोलनकारी से झड़प हुई, क्या इतनी सी बात पर पुलिस को सर्दी की रात में महिलाओं पर हमला करना चाहिए था। किसानों को अब संयम और शांति से काम लेना चाहिए और सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। केएल राहुल की खामियों पर पूर्व कप्तान ने दी अहम फैसला।
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केएल राहुल की खामियों को लेकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि कोचों को केएल राहुल की कमियों पर काम करना चाहिए क्योंकि मेरे विचार से वे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खेल में निरंतरता की कमी है। राहुल कई तरीकों से आउट हुए हैं। पहले वे खराब गेंदों पर अपना विकेट खो रहे थे, तो वहीं अब शॉर्ट चयन ने उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि रोहित और विराट दोनों शानदार खिलाड़ी हैं, इन दोनों ने पहले भी शानदार प्रदर्शन किया है और मेरा मानना है कि इस बार भी ये दोनों इस साल विश्व कप में रोहित और विराट शानदार प्रदर्शन करेंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, रवि कुमार राम, खुश कुमार यादव, अमित, अनवर करीम खान, असरफी मंडल, उमेश ऋषिदेव, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत सिन्हा आर के, अखिलेश यादव, शंकर मुखिया, धर्मवीर भक्ता, राम सेवक यादव, रविशंकर, मिथिलेश मंडल। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से बिहार के छात्राओं को कितना फायदा मिला है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।